नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी आप लोगों के समक्ष एक और औषधीय प्लांट्स लेकर आया हूँ, जिसका नाम है गुमा द्रोण पुष्पी ल्यूकस एस्पेरा। इसको हिंदी में लोग गुमा कहते हैं, संस्कृत में द्रोण पुष्पी और अंग्रेजी में ल्यूकस एस्पेरा के नाम से जाना जाता है। ये जो मैं पौधा दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको गुमा या द्रोण पुष्पी के कहते हैं। ध्यान से देखिए इस पौधे को, गांव देहात में देखते हैं इसको, लोग देखते हैं जानते हैं, लेकिन इसका प्रयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो मैं इसका प्रयोग बताने जा रहा हूँ, उसके पहले आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब तथा बेल घंटी को आप लोग अवश्य बजा दें तथा लाइक और कमेंट भी कर दें, ताकि आने वाले जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप लोग आसानी से देखें और इसका फायदा उठावें। द्रोण पुष्पी का पौधा 2 से 4 फुट लंबा होता है। यह जो पौधा है द्रोण पुष्पी, ये 2 से 4 फीट लंबा होता है एवं 4-5 शाखा वाले गुंबजकार होता है। ये देखिए, ये जो है 4 से 5 शाखा वाले गुंबजदार होता है। द्रोण पुष्पी के पौधे पर सफेद रंग के छोटे छोटे रोएदार होते हैं। देखिए ये जो है, इस पे सफेद रंग का छोटे छोटे रोएदार है। इसके पत्ते 2 से 3 इंच लंबे रोएदार एवं दांतेदार किनारे वाले होते हैं। देखिए ये जो है फूल जो है सफेद है, ध्यान से देखिए, बहुत सारा है जो कि आपको इसमें सफेद रंग का जो है फूल लगा हुआ है। इसके फूल सफेद और गुच्छेदार होते हैं। देखिए ये फूल हो गया, ये जो है गुच्छे आकार का है। इसको लोग अब ध्यान से देखिए, फूल के प्रत्येक गुच्छे पर 2 पत्तियां होते हैं। देखिए ये फूल हो गया, इसमें 2 पत्तियां लगे हुए हैं। देखिए फूल के ऊपर 2 पत्तियां लगे होते हैं, 2 पत्ते लगे हुए हैं। इसके जड़ पतली एवं 5 से 6 इंच लंबे होते हैं। ये जो जड़ है, ये जो गुमा का जो जड़ है, ये 5 से 6 इंच लंबे आकार का होता है। देखिए ये जड़, ध्यान से देखिए, ये जो जड़ है 5 से 6 इंच लंबे आकार का होता है। ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसको गुमा लोग कहते हैं, गुमा या द्रोण पुष्पी के नाम से भी लोग जानते हैं। इसकी गंध तेज होती है। ये जो है इसका जो कंद होता है वो बहुत ही तेज होता है। इसके प्रयोग से अनेक रोग दूर होते हैं, जैसे ज्वर, खुजली, सर्प विष, सूजन, खांसी, संधिवा, सिर दर्द, पीलिया, सर्दी, यकृत रोग, दांत के रोग, सूखा रोग, इन सभी रोगों में ये जो गुमा है द्रोण पुष्पी है, इस सभी रोगों में काम में लाया जाता है। देखिए एक बात मैं और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ,
बहुत ऐसे लोग हैं अपवाद स्वरूप किसी किसी को सांप काट लेते हैं। तो जिस व्यक्ति को सांप काटा हो, कितने भी जहरीला सांप क्यों ना काटा हो, उसे द्रोण पुष्पी के पंचांग पिलाना चाहिए या उसके 10 से 15 बूंद रस को पिलाना चाहिए। उसके मुंह, नाक या कान के रास्ते से टपका दे। यदि व्यक्ति अगर मरा नहीं होगा तो निश्चित ही ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद कुछ घंटे तक सोने न दे। ये जो मैं आप लोगों को सांप काटने की चिकित्सा बता रहा हूँ, अगर हल्का फुल्का भी आराम हो, जरूरत पड़ने पर आप लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी अवश्य ले जाकर दिखा लें। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। बस मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। डॉक्टर मनोज कुमार गिरी की तरफ से आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।